एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई ब्यूटी विद आकृति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शहनाज गिल इंस्पायर्ड मेकअप लुक। उनका पिक्चर यहाँ साइड में आपको लगा दूंगी, आप देख सकते हो। एंड उन्हीं का इंस्पायर्ड लुक आज मैं करने वाली हूँ। बट उनके जैसा ड्रेस तो मेरे पास नहीं था, बट मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल उनसे मिलता जुलता सा लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस। अब हम लोग डायरेक्टली प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर ड्राई हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे अपना बेस तैयार कर ले रही हूँ। बेस के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड लैक्मे सीसी क्रीम। मैं इन दोनों को मिक्स करके एक बेस तैयार कर लूंगी। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब हम लोग कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे दो शेड ले रही हूँ, दोनों एले प्रो गर्ल कंसीलर है। ये येलो शेड है एंड ये मेरे स्किन के शेड का है। यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर भी अप्लाई कर लिया है, अब हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि शहनाज गिल ने पिंक ब्लश अप्लाई किया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे पिंक अप्लाई कर ले रही हूँ। को लगे कि आपका ब्लश थोड़ा ज्यादा हो गया तो आप अगेन ब्यूटी ब्लेंडर ले एंड इसको डैप डैप कर दे, इससे जितना भी एक्सेस होगा सब ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। इसको सेट कर लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि शहनाज गिल का जो आईब्रो है वो बहुत ही शार्प है। शहनाज गिल ने इस पिक्चर में जो आई शेडो अप्लाई किया वो बिल्कुल क्लियरली दिख तो नहीं रहा है मुझे। मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल लाइट शेड अप्लाई किया है, दैट्स वाई वो पिक्चर में क्लियर नहीं हो रहा है। सो इसलिए मैं यहाँ पे सैंडलवुड शेड ले रही हूँ, जो कि बहुत ही लाइट कलर है। एंड सैंडलवुड एंड हेना को दोनों को मिक्स करके एक शेड बना लूंगी बिल्कुल लाइट सा। मैं यहाँ पे पतला सा आई लाइनर ड्रॉ करूंगी एंड अब मैं अपने फॉल्सीज अप्लाई कर लूंगी। और अगर आपको इन फॉल्सीज के रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप फॉल्सीज कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत ही सस्ता एंड चीपेस्ट फॉल्सीज के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो उन्होंने अपना लिप लाइनर का शेड डार्क रखा है एंड लिपस्टिक का शेड रेड रखा है। रेड लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, तो चलिए लिप ड्रॉ कर लेते हैं। के लिए मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का रेड शेड ले रही हूँ। मैं तो ये दिख नहीं रहा है कि उन्होंने काजल अप्लाई किया है कि नहीं, बट लुक को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे काजल भी अप्लाई करेंगे। के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक काजल ले रही हूँ। हम लोग मस्कारा अप्लाई करेंगे, हम लोग हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।